ये WCS02 वायर कटिंग एंड स्ट्रिपिंग मशीन है। इसकी पावर सप्लाई 220 वोल्ट AC है। इस मशीन में 0.5 से 4.5 mm कंड्यूट डायमीटर तक का वायर को 5 mm टू 4x9 mm तक की लेंथ में इजीली कटिंग विद स्ट्रिपिंग कर सकते हैं। इसमें पैरामीटर सेट करना बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल टोटल लेंथ 100 mm, हेड साइड स्ट्रिपिंग 10 mm और 3 mm मूव, टेल साइड स्ट्रिपिंग 20 mm और 3 mm मूव सेट करना है। लेंथ की प्रेस करेंगे, यहाँ टोटल लेंथ एंटर करके एंटर की प्रेस करेंगे। S1 में 10, P1 में 3, S2 में 20 और P2 में 3 एंटर करके एंटर की प्रेस करेंगे। मिड कट नहीं चाहिए, इसे 0 ही रहने देंगे। मिड विंडो भी 0 ही रहने देंगे। एंटर की प्रेस करेंगे और ये लेंथ सेट होकर होम स्क्रीन डिस्प्ले हुआ। क्वांटिटी सेट करने के लिए क्वांटिटी प्रेस करेंगे, बैच काउंट में 100, टोटल काउंट में 1000, सेट नंबर ऑफ वायर में 1 वायर चला रहे हैं तो 1, 2 वायर चला रहे हैं तो 2 एंटर करेंगे। सेट बैच टाइम, करंट बैच कंप्लीट होने के बाद सेट किए गए टाइम के लिए मशीन स्टॉप होकर स्टार्ट होगी। रिक्वायर्ड वैल्यू एंटर करके एंटर की प्रेस करेंगे। क्वांटिटी सेट होकर होम स्क्रीन को मूव हुआ। वायर इस प्रकार लगाएंगे। वायर सेंसर के नीचे से होता हुआ मशीन के रोले के बीच में जाएगा। वायर लगाने के बाद एक बार कट प्रेस करके कट कर लेंगे। इसके बाद स्टार्ट की प्रेस करके एक पीस काट कर चेक कर लेंगे। ये हमने चेक कर लिया, बिल्कुल 100 mm कट के आया है और स्ट्रिपिंग भी बिल्कुल सही है। मशीन को कंटिन्यू रनिंग के लिए एक पीस कटने तक स्टार्ट को प्रेस एंड होल्ड रखेंगे। पुल पैरामीटर सेटिंग के लिए पुल की प्रेस करेंगे। पुल स्पीड, ये मटेरियल को फॉरवर्ड और रिवर्स मूव के लिए रोलर की स्पीड है, 0 to 20 इसका रेंज है। रिक्वायर्ड वैल्यू एंटर करके एंटर की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रिप, ये स्ट्रिपिंग के लिए मटेरियल को फॉरवर्ड और रिवर्स मूव के लिए रोलर की स्पीड है, 0 to 20 इसका रेंज है। रिक्वायर्ड वैल्यू एंटर करके एंटर की प्रेस करेंगे। वायर बैक, स्ट्रिपिंग के लिए वायर बैक की स्पीड है, 0 to 20 इसका रेंज है। रिक्वायर्ड वैल्यू एंटर करके एंटर की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है वायर स्लिप फंक्शन, ऑन या ऑफ, मोस्टली ऑन ही रखना होगा। 0 to 9 किसी भी न्यूमेरिकल की से इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ऑन या ऑफ सिलेक्शन के बाद एंटर की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है वायर सेंस फंक्शन, ऑन या ऑफ, ऑन रहने पर मटेरियल फिनिश होने के साथ मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप होगा। 0 to 9 किसी भी न्यूमेरिकल की से इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। वायर सेंस फंक्शन को ऑन या ऑफ सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। पैरामीटर सेव होकर होम स्क्रीन डिस्प्ले होगा। कटर के पैरामीटर को सेट करने के लिए कटर की प्रेस करेंगे। स्ट्रिपिंग, ये स्ट्रिपिंग के लिए कटर की डेप्थ है, 0 to 20 इसका रेंज है। वायर की थिकनेस के अकॉर्डिंग इसे इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ सकता है। डिजायर वैल्यू एंटर करके एंटर की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है कटिंग, ये कटिंग के लिए कटर की डेप्थ है, 0 to 20 इसका रेंज है, इसको सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है कटर बैक, वायर बैक मूव होने के लिए अपर और लोअर कटर के बीच के गैप के लिए कटर बैक होता है, इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। 0 to 5 mm इसका रेंज है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू एंटर करके एंटर की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है कटर स्पीड, कटिंग और स्ट्रिपिंग के लिए कटर की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, 0 to 20 इसका रेंज है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू एंटर करके एंटर की प्रेस करेंगे। पैरामीटर सेव होकर होम स्क्रीन डिस्प्ले होगा। ट्विस्ट, इस मॉडल में इसका यूज नहीं है। कट, रेडी मोड में कट प्रेस करने पर कटिंग के लिए कटर 1 साइकिल कंप्लीट करेगा। टेस्ट मोड में कटर 1/2 साइकिल कंप्लीट करेगा, यानी एक बार प्रेस करने पर कटर डाउन होगा, फिर से प्रेस करने पर कटर अप होगा।
स्ट्रिप। रेडी मोड में स्ट्रिप प्रेस करने पर अकॉर्डिंग टू सेट स्ट्रिपिंग पैरामीटर वन पीस कंप्लीट होगा। टेस्ट मोड में कटर हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा। ये स्ट्रिप टेस्ट के लिए यूज होता है। फॉरवर्ड प्रेस करने से रेडी मोड में रोलर फॉरवर्ड मूव होगा। पैरामीटर सेटिंग फंक्शन में प्रीवियस पेज पर जाएंगे। रिवर्स, रेडी मोड में रोलर रिवर्स मूव होगा। पैरामीटर सेटिंग फंक्शन में नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। रिसेट, रिसेट प्रेस करने पर काउंटिंग और टोटल काउंटिंग रिसेट होगा। टेस्ट, टेस्ट मोड में इंटर या एग्जिट करने के लिए। लोड, मशीन में पहले से सेव किए हुए प्रोग्राम को लोड करने के लिए है। लोड की प्रेस करके रिक्वायर्ड प्रोग्राम नंबर एंटर करके एंटर की प्रेस करेंगे और डिजायर्ड प्रोग्राम लोड होकर होम स्क्रीन डिस्प्ले होगा। सेव, प्रोग्राम को सेव करने के लिए। फॉर एग्जांपल, रिक्वायर्ड लेंथ सेट करके सेव की प्रेस करेंगे, डिजायर्ड नंबर एंटर करके एंटर की प्रेस करेंगे और ये प्रोग्राम सेव होकर होम स्क्रीन डिस्प्ले होगा। टोटल या वन की, रेडी मोड में काउंट यानी करंट बैच की काउंटिंग या टोटल काउंटिंग डिस्प्ले का सिलेक्शन होगा। पैरामीटर सेटिंग फंक्शन में न्यूमेरिकल वन की तरह वर्क करेगा। स्लीव या टू की, टेस्ट मोड में वायर फीडर स्लीव टेस्ट किया जाता है और पैरामीटर सेटिंग फंक्शन में एज न्यूमेरिकल टू वर्क करता है। 0 to 9 कीज, पैरामीटर सेटिंग फंक्शन में न्यूमेरिकल की तरह वर्क करेगा। एस्केप की, रेडी मोड में एस्केप प्रेस करने पर सेट लेंथ वैल्यू से 0.5 mm डिक्रीज होगा और पैरामीटर सेटिंग में रहने पर एज अ एस्केप की वर्क करेगा। इंटर की, रेडी मोड में प्रेस करने पर सेट लेंथ वैल्यू में 0.5 mm इंक्रीज होगा, पैरामीटर सेटिंग में इंटर की तरह वर्क करेगा। स्टार्ट की, सिंगल प्रेस करने पर वन पीस कट होगा। वन पीस कटने तक प्रेस एंड होल्ड रखने पर मशीन कंटिन्यू रन होगा। स्टॉप की, मशीन बंद करने के लिए 10 सेकेंड तक प्रेस एंड होल्ड रखें। ये इमरजेंसी स्टॉप स्टार्ट स्विच है। ये पावर ऑन ऑफ स्विच है।